बढ़ाएं अपने व्यापार को विजय टॉकीज कॉम्प्लेक्स के साथ 100 दुकानें 100 सुनहरे अवसर दुकानें मात्र 11 लाख से शुरू सागर शहर के मध्य भव्य शॉपिंग सेंटर में। इंदौर में विदेश से लौटे 6 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। 18 दिन में 115 लोग कोरोना पॉजिटिव। अमेरिका ब्रिटेन से लौटे लोगों के संक्रमित मिलने से खतरा बढ़ा, कलेक्टर हुए एक्टिव। भोपाल में मानव तस्करी का मामला है सामने। कैटरिंग सुपरवाइजर ने भोपाल की महिला को राजस्थान में 80,000 रुपए में बेचा। पिता पुत्र ने किया बलात्कार, 2 माह बाद कराया मुक्त। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, शादी करने का वादा कर 2 महीने तक आरोपी ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, दोस्तों के साथ मिलकर दी जान से मारने की धमकी। पीके रतलाम का मामला। भोपाल में नकली नोट छापने वाला मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार, दोस्त के साथ मिलकर घर में ही छापने लगा नकली नोट। 200 रुपए के 300 नोट, 500 के 294 नकली नोट मिले। चैन चोर महिलाओं का ग्रोह पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से उज्जैन आई गैंग, महाकाल और गढ़ काली का मंदिर में इसी ने दांत से काटी थी चेन। पचमढ़ी में शीतलहर से 6 डिग्री गिरा पारा, सीजन में पहली बार पचमढ़ी में 2 और होशंगाबाद में 8.8 डिग्री पहुंचा पारा, कड़ाके की पड़ रही है ठंड। शीतलहर से ठुठरा सागर, 10 साल बाद दिसंबर माह में सबसे कम रिकॉर्ड, 4.4 डिग्री रहा न्यूनतम पारा, बर्फीली हवाओं से 2 दिन में 8 डिग्री गिरा। आंध्र प्रदेश में हत्या का आरोपी एमपी के गुना से गिरफ्तार, डकैती और हत्या के मामले में चल रहा था फरार, पुलिस ने गांव के घर से पकड़ा। देवास में देवर ने डॉक्टर भाभी का मर्डर कर की खुदकुशी, देवास में क्लिनिक में घुसकर गोली मारी, भाई से बोला मैंने हत्या कर दी है, फिर खुद की जान ले ली। सागर के उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया नगरपालिका सीएमओ ईशांक धाकड़ ने पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत हुए भवनों का वार्ड नंबर 18 शबरी वार्ड में पहुंचकर किया निरीक्षण, जहां उन्होंने डीपीआर के हिसाब से वितरित की गई राशि के आवास निर्माण के कार्य को शुरू करने के दिए निर्देश। दीनदयाल चौराहा बस स्टैंड से चक्राघाट को जोड़ने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। सागर विधायक शैलेंद्र जैन और कलेक्टर दीपक आर्य ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। वहीं एलिवेटेड कॉरिडोर फेज 2 के प्लान पर भी किया मंथन, जो इसी रोटरी से शुरू होकर एलिवेटेड कॉरिडोर फेज 2 अटल पार्क के पास तक जाएगा। स्वर्णकार कल्याण जागृति रथ यात्रा का सागर में हुआ आगमन, स्वर्णकार समाज ने किया जोरदार स्वागत। बढ़ाएं अपने व्यापार को विजय टॉकीज कॉम्प्लेक्स के साथ 100 दुकानें 100 सुनहरे अवसर दुकानें मात्र 11 लाख से शुरू सागर शहर के मध्य भव्य शॉपिंग सेंटर में शोरूम, ऑफिस, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, गेम जोन, स्पा एंड सैलून, मोबाइल स्टोर, ज्वेलरी स्टोर हेतु दुकानें संपर्क का सुनहरा अवसर। सुविधाएं पर्याप्त पार्किंग, 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी, लिफ्ट सुविधा, कवर्ड कैंपस, तो हमारा पता है विजय टॉकीज परिसर सागर मध्य प्रदेश। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9424636739 9926968299।